अरे कोमल, सुबह से तुम फोन में ही लगी पड़ी हो। अरे यार, वो मेरी एक नौकरी कंफर्म हुई है वर्क फ्रॉम होम में, पर उन जब से उन्होंने मेरा खाता नंबर मांगा है वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अरे कोमल, वैसे भी तुम जॉब कर रही हो, तुम एक पत्रकार हो और तुम्हें वर्क फ्रॉम होम क्यों करना है? और ऐसे तुम क्यों अपना बैंक अकाउंट किसी को भेज दिया? और मान लो कि अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए तो? अरे यार, आप मुझे डराओ मत। मेरी दोस्त अंजी ने मुझे नंबर भेजा था। ये वो जो नटराज पेंसिल है ना, उसकी पैकिंग करने की जॉब है, वो भी घर बैठे। अच्छा, तो पेंसिल पैक करना है? और ये पेंसिल भला आएगी कहाँ से? कुकर में बना दी पेंसिल? मुझे भी यही डाउट था पहले, फिर देखो मैंने सोशल मीडिया पर इतने सारे पोस्ट देखे नटराज पेंसिल की पैकिंग को लेकर। देखो इसमें लिखा है कि कंपनी हमारे घर पेंसिल भिजवाएगी। कोमल, इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट हजारों तैरते रहते हैं। कोई एसएमएस करने के लिए हजारों रुपए देता है तो कोई कॉलिंग के लिए। हमें इन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है बिना जांच पड़ताल किए हुए। अब यही देख लो, किसी ने न्यूज में भी लिखा है कि इसी झांसे में आकर एक व्यक्ति ने 13,000 रुपए गंवा दिए हैं। 13,000 रुपए? इंस्टाग्राम चला रहे थे, उसमें एक ऐड आया कि नटराज पेंसिल में जॉब मिल रही, तो उसमें कमेंट्स में एक लिंक थी, उस पर क्लिक करो तो तुरंत दूसरे दिन डिलीवरी घर तक आ जाएगी, कोई पैसा नहीं। तो जब इंस्टाग्राम में देखा तो हमने भी उसमें कर दिया, और जब उसमें देखा तो तुरंत व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हेलो मैम, मेरा नाम सुरेश है और मैं नटराज कंपनी से हूँ। तो फिर हमने भी उसमें कुछ लिखा, तो उन्होंने कहा आप ये जॉब करना चाहते हैं? तो हम बड़े खुश हुए, हमने कहा घर बैठे बढ़िया 20 से 25 हज़ार रुपये मिलेंगे, बढ़िया है। तो फिर हमने कहा ठीक है करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये दे दीजिए, ये हम बार कोड दे रहे हैं आपको। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारी फ्रेंड थी तो वो बोली कि अपन दोनों लोग करेंगे, आधा आधा माल ले लेंगे और 250 तुम दे देना, 250 हम। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग दोनों ने मिल के 250 रुपये उसको 500 रुपये फ़ोन पे कर दिए। वो बोला ठीक है मैडम, आपके कल सुबह तक 8 बजे आपके यहाँ पे माल आ जाएगा और छोटे हाथी में आएगा, उसमें बहुत सारे बॉक्स होंगे, नटराज पेंसिल होंगी, आपको सिर्फ घर में पैक करना है और डिलीवरी वाला आएगा, वो खुद ले जाएगा और हैंड टू हैंड पैसे देगा। हम लोग बहुत खुश हुए। हमने उसको कॉल लगाया, हमने कहा भैया 9 बज गया अभी तक कोई नहीं आया। बोले हाँ मैडम आने वाला है, मैं कॉल करके पूछता हूँ। हमने कहा ठीक है। फिर उसका 11 बजे कॉल आया, बोले मैडम आपका सागर रोड पे छोटा हाथी खड़ा है, आप 1500 रुपये और दे दीजिए जिसमें आपका माल आ जाएगा। हमने कहा नहीं हम नहीं देंगे, पहले हमारे घर पे माल आ जाए फिर देंगे। तो वो बोला ना दे, वो मतलब वो थोड़ी बदतमीजी करने लगा। तो हमारे हस्बैंड थे तो वो बोले किसको फोन लगा रही, कौन सा माल आ रहा? हमने कहा यार एक अच्छी जॉब मिल रही घर बैठे। बोले ये फ्रॉड है। हमने कहा अभी हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, तो उसने फिर ब्लॉक कर दिया और फोन बंद कर लिया। मेरे मोबाइल में कॉल आते रहते हैं कि नीरज सर आपका नौकरी लगी है, ये वो बम्बई में आ जाइए, कंप्यूटर चलाना है ये। हमने बोला नहीं हमको ले करना, ठीक है। बोल रहे हैं आपकी लॉटरी लगी है, वो मैंने बोला ठीक है आधे आप रख लो और आधे और किसी को दे दो। इस तरह की पोस्ट ज्यादातर फ्रॉड ही होती है। सबसे पहले वो कस्टमर से उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। यार मैंने तो अपने दोस्तों को भी ये नंबर भेज दिया, कहीं वो भी मेरी तरह इस नौकरी की झांसे में ना फंस जाए। तुम डरो नहीं, हम पत्रकार हैं और हमारा काम ही है सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ये देखो, इस नौकरी वाली फेक खबर के बाद नटराज कंपनी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में ये जानकारी दी है कि उनकी पेंसिलें हाथ से नहीं मशीनों से पैक की जाती हैं। बताओ भला, सच का पता लगाना कितना आसान था, लेकिन इस नौकरी के पाने के चक्कर में हम सच और झूठ का पता ही नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं कोमल, ये वाली जो पोस्ट है, जो फेक खबर की पोस्ट है, वो दोस्तों के साथ शेयर करने के बजाय ये सही खबर वाली पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे विज्ञापन जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आए दिन आते हैं, उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये सारे लोग फ्रॉड हैं।
वो आपकी निजी जानकारी जैसे पैन नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर आपकी अकाउंट की धनराशि जीरो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के विज्ञापनों की भरमार रहती है, यहाँ तक कि नौकरियों के लिए भी विज्ञापन निकाले जाते हैं। इस ऑनलाइन जमाने में मोबाइल और इंटरनेट ने सबके लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढना और घर से काम करना वैसे भी बहुत आसान बना दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विज्ञापन सही हो, कई बार आप फर्जी विज्ञापन के झांसे में आकर बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे पोस्ट पर यकीन करने से पहले उस मैसेज के तह तक जाएं। जिस कंपनी की बात की जा रही है उसकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए कहीं उसके खिलाफ कोई क्लेम तो नहीं है। अनजान लोगों से बात करते समय अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें और बगैर जांच पड़ताल किए हुए कुछ भी फॉरवर्ड ना करें। इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी को तिल का तार ना बनाएं। पहले जानकारी की तह तक जाएं, फिर ही कोई कदम उठाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।